हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राशिद खान और आप देख रहे हैं खान यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं मशीन से आलू की बुआई। सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है आलू बोने का, क्योंकि इसमें किसानों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और जो आलू की बुआई होती है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये लगभग 5 बीघे का खेत है और इसमें आलू की बुआई हो रही है और पीछे मशीन चल रही है आलू बोने वाली। तो चलिए वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मशीन से आलू की बुआई होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों, आलू की बुआई करने से पहले आलू को स्टोर किया जाता है। इन्हें स्टोर में रखा जाता है लगभग 8 से 9 महीने। फिर उसके बाद इसमें जब छोटे छोटे अकवे निकल आते हैं तो यहाँ पर देखिए आलू की कटिंग हो रही है। तो एक आलू के लगभग 4 से 5 पीस काट लिए जाते हैं, जिसमें अकवे जो होते हैं वो हर पीस पर आ जाते हैं। उसके बाद आलू की बुआई होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर के पीछे आलू बोने वाली मशीन को सेट किया गया है। दोस्तों, आलू से पहले मशीन के ऊपर जो खाली जगह होती है इसमें आलू को पहले अच्छे से भर लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों ने हाथों में ग्लव पहन रखे हैं ताकि ये धूल मिट्टी भी ना लगे और इससे आलू पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गोल गोल चकिया, इनको बोलते हैं, ये चकिया लगी हुई है और इसी चकिए में एक एक आलू का टुकड़ा डाल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग चकिए में आलू भर रहे हैं। आलू के जो कतले जो काटे गए थे उनको यहाँ पर डाल रहे हैं और वो मशीन के जरिए नीचे ज़मीन में जा रहे हैं और आलू की बुआई हो रही है। और इसमें ये आसानी रहती, पीछे देखिए अपने आप नाले बनते जा रहे हैं और इन्हीं नालों में जो आलू के कतले हैं वो सेट होते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं वहाँ पर चक्के में आलू के कतले डाले जा रहे हैं और नीचे मशीन के ज़रिए ज़मीन में आलू के कतले सेट हो रहे हैं और आलू की बुआई अच्छे से हो रही है। और दोस्तों, आज भी बहुत सारी जगहों पर मशीन के बजाय हाथों से आलू बोया जाता है। उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले आलू की बुआई होती है, फिर उसमें जब छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं तब उनमें नाले बनाए जाते हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। आगे आगे आलू की बुआई होती जाती है और पीछे पीछे अपने आप मशीन से नाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खेत लगभग 5 बीघे का है और मशीन से आलू बोने में टाइम भी बहुत कम लगता है, मतलब 1 बीघे में 1 घंटा लगता है। तो ये पूरे 5 बीघे का खेत है तो इसमें 5 घंटे में अच्छे से आलू बो जाएगा। और दोस्तों, मशीन से आलू बोने में किसान का बहुत फ़ायदा रहता है, क्योंकि हाथ से आलू की बुआई होती है तो पहले आलू की बुआई का खर्चा होता है, फिर उसके बाद उन्हें नाले बनाने का भी खर्चा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अपने आप नाले बनते चले जाते हैं, किसान को इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें सिर्फ पानी लगाया जाएगा। जब इसमें छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे उससे पहले इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ जगह पर आलू की बुआई छूट गई है तो उस ज़मीन को सही कर रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद फिर से यहाँ पर ट्रैक्टर जो चलाया जाएगा, मशीन चलाई जाएगी तो आलू की बुआई यहाँ पर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से होती है मशीन से आलू की बुआई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।